पटना का गायघाट रिमांड होम एक बार फिर से विवादों में है। इससे पहले गायघाट रिमांड होम की चर्चा उस वक्त होने लगी थी जब 29 जनवरी को सबसे पहले अंदर की काली करतूतों की कहानी बाहर आई थी। रिमांड होम की अधीक्षिका के ऊपर लड़कियों से गलत काम करवाने का आरोप लगा था और जो लड़कियां विरोध करती उनको पीटा जाता था, नशीली दवाइयां खाने में मिलाई जाती थी, बाहर से लड़कों को भी अंदर बुलाया जाता था। जब इस खबर को मीडिया ने तूल पकड़ाया तब जाकर कहीं यहाँ की अधीक्षिका वंदना गुप्ता पर FIR दर्ज किया गया। अब एक बार फिर रिमांड होम सुर्खियों में आया है तो इसकी वजह है रिमांड होम में बंद लड़कियों के बीच आपस में मारपीट की घटना। गायघाट स्थित रिमांड होम में गुरुवार की दोपहर बालिकाओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान आधा दर्जन लड़कियां मामूली तौर पर घायल हो गई। घायलों का इलाज NMCH में कराया गया। गुरुवार की दोपहर रिमांड होम में लड़कियों के बीच मारपीट और हंगामे की खबर मिलने पर आलमगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। रिमांड होम में मारपीट के दौरान बीच बचाव करने गए सुरक्षाकर्मी और काउंसलर भी जख्मी हो गए। बता दे कि गुरुवार की दोपहर लड़कियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और लड़कियां दो गुटों में बट गईं। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पदाधिकारी के साथ पुलिस बल को रिमांड होम में भेजा गया था। घायल लड़कियों का इलाज NMCH में कराने के बाद वापस उन्हें रिमांड होम भेज दिया गया है। देशवा न्यूज के लिए ब्यूरो।